गाइस, नॉलेज जंक्शन मैप 1991 में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे एडवांस एक्सेल के फॉरवर्ड टाइम में रेंड एरे फंक्शन फॉर्मूला के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम कीबोर्ड में विंडो आर प्रेस करेंगे। रन कमांड हमारा ओपन हो गया। ओपन बॉक्स में टाइप करेंगे एक्सेल EXEL, ओके पर क्लिक करेंगे, एंटर पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं ब्लैंक पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक्सेल ओपन हो गया है। तो हमने पहले से ही एक्सेल को ओपन कर रखा है। देख सकते हैं हमारा डेटा सेव है, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। किसी भी सेल में हम कर्सर रख लेंगे, जैसे हमने यहाँ कर्सर रखा। होम टैब के अंदर जाएंगे, इसके अंदर मैथ एंड ट्रिम फंक्शन, इसके अंदर दे सकते हैं रेंड फंक्शन, यानी कि हमने कल बताया था इसके बारे में। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं। आज का टॉपिक है रेंड एरे। इस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं फंक्शन आर्गुमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। रेंड एरे यानी रेंड आरे, सिंटैक्स दे सकते हैं रेंड एरे रो कॉलम मीन यानी मिनिमाइज और मैक्स होल नंबर, ये हमारे क्या है आर्गुमेंट्स, इन्हीं को हम पैरामीटर बोलते हैं। रो देख सकते हैं यहां पर, रो यानी कि कितनी पंक्तियों में संख्या उत्पन्न करनी है। कॉलम कितने स्तंभों में संख्या उत्पन्न करनी है, एक कॉलम में या दो कॉलम में। मीन उत्पन्न की जाने वाली न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या। मैक्स उत्पन्न की जाने वाली अधिकतम संख्या सबसे हाईएस्ट वैल्यू। होल नंबर यह बताता है कि संख्या पूर्णांक होगी या दशमलव। यदि ट्रू है तो पूर्णांक, यदि फाल्स है तो दशमलव। हम चलते हैं रो यानी कि पंक्तियों, हमने थ्री टाइप कर रखा है, और स्तंभ यानी कॉलम कितना है हमारा फोर, एक से हंड्रेड यानी वन से हंड्रेड के बीच की या से अधिक पूर्णांक हमें उत्पन्न करनी है या उत्पन्न करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, रो हम यहां पर क्या लेंगे थ्री, यहां पर टाइप करेंगे थ्री। कॉलम्स यानी स्तंभों यहां पर टाइप करेंगे फोर, या थ्री भी टाइप कर सकते हैं, यहां पर टाइप करेंगे फोर। मीन मैक्स इंटीजर इनको हम बाद में बताएंगे। हम ओके पर क्लिक करेंगे तो दे सकते हैं आंसर हमारा निकला है। इसी तरह हमें क्या निकालना है, रेंड एरे फंक्शन का यूज करेंगे, मीन और मैक्स और होल नंबर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, कहीं भी कैसे रख सकते हैं, इक्वल बराबर रेंड एरे फंक्शन यानी रेंड आरे दे सकते हैं, इसमें करेंगे। अभी बोल रहा है
रोज। कितनी पंक्तियां लेना हमें? थ्री, थ्री रोज, कॉमा लगाएंगे, कॉलम फोर, कॉलम कॉमा लगाएंगे। सबसे छोटी संख्या वन, वन टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। मैक्स हाईएस्ट वैल्यू 100 टाइप करेंगे। हम क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, या फिर हम क्या करेंगे यहां पर कॉमा लगाएंगे। इंटीजर भी हमें निकालना है, इंटीजर हमारा क्या दे रहा है यहां पर, फर्स्ट डेसिमल और ट्रू इंटीजर, तो हम ट्रू पर क्लिक करेंगे। शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जीरो प्रेस करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं आंसर हमारा निकला है। अगला एग्जांपल, सीट टू पर पहुंचेंगे। हमने यहां पर जनरेट रैंडम डेसिमल नंबर टाइप कर रखा है, यानी कि टू इंटू फाइव एरे, रैंडम एरे निकालना है डेसिमल फंक्शन का, जीरो टू वन, यानी कि जीरो एंड वन का हमें निकालना है बीच का। तो क्या करेंगे, इक्वल रैंड एरे फंक्शन दे सकते, इस्तेमाल करेंगे रोज। रोज हम क्या लेंगे यहां पर, टू कॉमा लगाएंगे, कॉलम्स फाइव कॉमा लगाएंगे, मिनिमम संख्या, मिनट संख्या कितनी हमारी, जीरो, तो जीरो टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। मैक्स संख्या वन, तो वन टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इंटीजर यानी फास्ट को सेलेक्ट करेंगे, यानी डेसिमल जैसे तैसे शुरू करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, सीट थ्री पर पहुंचेंगे। रैंडम डेसिमल नंबर बिटवीन टू फाइव इंटू मास का फाइव एंड फाइव हमें निकालना है बीच का, तो रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे यहां पर हम, इक्वल रैंडम एरे, कौन सा फंक्शन, रेंड एरे या रेंडा एरे, ये सब तेज फिल करेंगे। रोज देख सकते यहां पर फोर इंटू फोर, तो यहां पर फोर टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉलम्स फोर कॉमा लगाएंगे, मिनिमम यानी कि मास का फाइव कॉमा लगाएंगे, मैक्स प्लस का फाइव, तो फाइव टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इंटीजर फास्ट एक्स्ट्रा में इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, तो दे सकते हैं हमारा आंसर निकला है। अगला एग्जांपल, सीट फोर पर पहुंचेंगे। जनरेटिंग रैंडम डेट विद इन ईयर, यानी कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर हम, यहां पर हम रैंडम एरे दे सकते हैं यहां पर, अभी हमने इसके बारे में बताया था, अब हम
यहां पर हम ना फंक्शन का यूज करेंगे या फिर हम टूडे का, पहले हम टूडे फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल बराबर देख सकते हमने ये टाइप कर रखा है, कितना टाइप कर रखा है यहां पर सन 2024, 3 × 3 का हमें रैंडम एरे निकालना है, यानी रैंड एरे इक्वल के बाद टूडे फंक्शन का यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन टूडे इस तरह सोल्व करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस रैंड एरे फंक्शन का यूज करेंगे, ये सब इस्तेमाल करेंगे। हम क्या करेंगे रोज यानी 3 कॉमा कॉलम 3 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे। यहां पर हमने 4 टाइप कर दिया है तो हम यहां पर 3 टाइप करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज। हम क्या करेंगे इनटू यानी मल्टीप्लाई स्टार कीबोर्ड में प्रेस करेंगे 365, एक साल में 365 दिन होते हैं तो यहाँ पर हम 365 टाइप किया हमने, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। अगला एग्जांपल शीट 5 पे पहुंचेंगे, जनरेटिंग रैंडम टाइम स्टाम्प फॉर द नेक्स्ट आवर, यानी कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे यहां पर ना फंक्शन का, इक्वल बराबर नाउ फंक्शन देख सकते हैं करेंगे शिफ्ट के साथ बैकेट क्लोज करेंगे, प्लस कौन सा फंक्शन रैंड एरे फंक्शन ये सब तस्वीर करेंगे, रोज यहां पर टाइप करेंगे 3 कॉमा लगाएंगे कॉलम 3। हम क्या करेंगे यहां पर हम कॉमा लगाएंगे, मिनिमम संख्या यहां पर हम कितनी रखेंगे इसको हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, L2 यानी मल्टीप्लाई स्टार हमें क्या निकालना है हावर्स, तो हम क्या करेंगे देख सकते हैं विद इन द नेक्स्ट हावर, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन 1/(Divided) 24 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज, वो एंटर प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और हम क्या निकालेंगे टाइम, होम टैब पे जाएंगे और देख सकते हैं इसके अंदर जनरल के अंदर टाइम यहां से रख सकते हैं, देख सकते हैं सभी का टाइम निकला है। इसी तरह हम टूडे फंक्शन यहां भी हम इसको सिलेक्ट करेंगे और हम डेट निकालेंगे तो देख सकते हैं शॉर्ट डेट, देख सकते हैं सभी का आंसर सो गया है। अगला एग्जांपल हम किस पर जाएंगे शीट 6 पर जाएंगे या फिर हम यहीं पर ये एग्जांपल और देंगे, इक्वल बराबर नाउ फंक्शन देख सकते हैं स्पेल करेंगे शिफ्ट के साथ एक क्लोज करेंगे, प्लस कौन सा फंक्शन रैंड एरे फंक्शन देख सकते हैं स्पेल करेंगे।
हम रोज कितना लेंगे यहां पर, फोर कॉमा लगाएंगे, कॉलम वन, हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, यहां पर हम क्या टाइप करेंगे वन, या फिर हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू यानी मल्टीप्लाई, यहां पर टाइप करेंगे वन, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। ये जो प्लस करें साथ स्पेल करेंगे तो देख सकते हैं सभी का आंसर सो हो गया है। इसी तरह हम अगला एग्जांपल यहां पर हम टाइप करेंगे इक्वल बराबर नाउ फंक्शन, देख सकते हैं स्पेल करेंगे शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहां पर हम प्लस लगाएंगे रेंड अरे फंक्शन, देख सकते हैं स्पेल करेंगे रोज, यहां पर हम कितना लेंगे फाइव कॉमा कॉलम वन लेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू यानी स्टार मल्टीप्लाई, यहां पर हम सेवन टाइप करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर निकला है। इसको हम सिलेक्ट करके और हम कहां जाएंगे जनरेटर के अंदर, देख सकते हैं यहां पर टाइम राइट आंसर निकला है। इसी तरह हम अगला एग्जांपल सी सिक्स पर पहुंचेंगे, यहां पर हमने डेट टाइप कर रखा है, देख सकते हैं यहां पर रैंडम डेट बिटवीन टू स्पेसिफिक डेट्स यानी डेट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, यहां पर हम रेंड एरे फंक्शन का यूज करेंगे, रेंड एरे फंक्शन देख सकते हैं करेंगे रोज, रोज हम यहां पर कितना लेंगे इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, या फिर हम यहां पर पहले हम क्या लेंगे फोर यानी रोज कॉमा टू कॉलम, अब क्या करेंगे इसको हम कॉमा लगाएंगे, मिनिमम संख्या इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं हम क्या करेंगे कॉमा लगाएंगे, मैक्स यानी डी टू, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट के साथ डी टू शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकला है। हम दूसरा तरीका बताएंगे डेट रैंडम फंक्शन का, डेट के साथ इक्वल बराबर डेट फंक्शन, देख सकते हैं स्पेल करेंगे ईयर, ईयर हमने कितना टाइप कर रखा है यहां पर 1 जनवरी 2020, तो टाइप करेंगे सन 2020 कॉमा लगाएंगे, मंथ यानी वन कॉमा लगाएंगे, डे यानी वन शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हम क्या करेंगे प्लस, देख सकते हैं रेंड एरे फंक्शन, कौन सा फंक्शन रेंड एरे फंक्शन, इसमें भी करेंगे रोज, रोज हम कितना लेंगे फोर, तो टाइप करेंगे फोर कॉमा लगाएंगे, कॉलम टू लेंगे तो टू टाइप करेंगे कॉमा लगाएंगे, मिनिमम संख्या यानी ये सेल, तो उससे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्या करेंगे ब्रैकेट क्लोज इनटू यानी स्टार मल्टीप्लाई डेट फंक्शन, देख सकते हैं स्पेल करेंगे ईयर, ईयर हम क्या लेंगे ये सेल यानी कि
ये वाला सर लेंगे 31 दिसंबर 2024। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे 2024 कॉमा लगाएंगे मंथ यानी 12 दिसंबर और कॉमा लगाएंगे डे यानी 31, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, माइनस यानी हाइफन डेट फंक्शन दे सकते हैं, सिंबल करेंगे ईयर यानी मिनिमम वाली संख्या लेंगे, तो यहां पर सन 2020 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे मंथ 1, कॉमा लगाएंगे डे 1, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ऐसे ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। अगला है जंपर, सीट 7 पर पहुंचेंगे। हमने यहां पर जनरेटिंग रैंडम वर्किंग डेज फ्रॉम टुडे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, रैंडम डे रैंड एरे के साथ बर्थडे फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल बराबर बर्थडे फंक्शन, कौन सा फंक्शन, बर्थडे फंक्शन इस पर करेंगे, स्टार डेट, स्टार डेट हम क्या लेंगे दे सकते हैं टुडे यानी आज की डेट, तो यहां पर टाइप करेंगे टुडे फंक्शन दे सकते हैं, सिंपल करेंगे शिफ्ट के साथ एक क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे डेज, डेज हमें क्या लेना है, रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, यहां पर हम देख सकते हैं रेंड एरे फंक्शन, रोज देख सकते हैं यहां पर 3,3, तो 3, कॉलम 3, कॉमा यहां पर हम क्या लेंगे, मिनिमम संख्या, मिनिमम संख्या हम अपनी इच्छा अनुसार 1 से लेके यानी हमने यहां पर 1 टाइप किया, कॉमा लगाएंगे मैक्स यानी 10 संख्या लेंगे, यहां पर 10 टाइप किया, कॉमा लगाएंगे यानी इंटीजर 2 को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ बैकेट क्लोज करेंगे, बर्थडे का बैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। अगला एग्जांपल, इसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और देख सकते हैं यहां पर हम शॉर्ट डेट इस पर क्लिक करेंगे, तो देख सकते हैं डेट शो हो गया है। अगला एग्जांपल, जनरेटिंग रैंडम वर्किंग डेज ओवर ए स्पेसिफिक मंथ में निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, बर्थडे फंक्शन दे सकते हैं, सिंपल करेंगे स्टार डेट यानी डेट फंक्शन, कौन सा फंक्शन, डेट फंक्शन दे सकते हैं, सिंपल करेंगे ईयर, ईयर हम क्या लेंगे यहां पर दे सकते हैं, यहां पर ये सेल जनवरी 2024, तो हम क्या करेंगे सन 2024 कॉमा लगाएंगे मंथ यानी 1, कॉमा लगाएंगे डे 1, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे डेज, डेज हम क्या लेंगे रैंड एरे फंक्शन दे सकते हैं, सिंपल करेंगे रोज, रोज हम क्या लेंगे दे सकते हैं यहां पर 4,2, तो पहले रोज हम 4 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे
कॉलम टू टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम मिनिमम संख्या वन टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। मैक्स यहाँ पर 20 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे। इंटीजर यहाँ पर हम ट्रू सिलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं, इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट के साथ। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, बर्थडे का ब्रैकेट क्लोज, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। इसको हमें चेक करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, किसमें जाएंगे, जनरल टैब के अंदर, देख सकते हैं यहाँ पर लॉन्ग डेट शॉर्ट डेट, इस पर क्लिक करेंगे, राइट आंसर है। अगला एग्जाम्पल सीट 8 पे पहुंचेंगे, रैंडम वर्क डेज हमें निकालना है। हमने टैग कर रखा है यहाँ पर 1 जनवरी 2023, 31 नवंबर 2023, हमें क्या निकालना है, हॉलीडेज। बर्थडे के साथ रैंडम फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल बराबर कौन सा फंक्शन, रेंड अरे फंक्शन, या पहले हम बर्थडे फंक्शन का यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं करेंगे। स्टार डेट यहां पर हम क्या रहेंगे, रेंड अरे फंक्शन, देख सकते हैं करेंगे। रोज, रोज हम क्या लेंगे, कोई भी यहां पर हम मान सकते हैं 4, कॉमा लगाएंगे, कॉलम 1, कॉमा लगाएंगे, मिनिमम संख्या ये सेल D1, कॉमा लगाएंगे। मैक्स ये सेल D2, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देख सकते हैं कॉमा लगाएंगे। हॉलीडे यानी कि डेज, हमें डेज निकालना है, कोई डेज नहीं, डेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर टाइप करेंगे 1, क्या टाइप करेंगे 1। अगर हमें हुई डेज भी शो करना है, हमें अभी हुई डेज शो नहीं करना है, क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। इसको सेलेक्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, जनरल के अंदर शॉर्ट डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे, देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है, राइट आंसर निकला है। अगर हम यहां पर क्या लगा दें, जैसे इक्वल, यहीं पे हम कर सकते हैं, कॉमा लगाएंगे, हॉलीडेज यहां पे हम वन टाइप कर सकते हैं और हम एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं आंसर हमारा निकला है। हमने यहां पर हॉलीडे भी सिलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल सीट 9 पर पहुंचेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम शॉर्ट शॉर्टेड रेंडमली हमें निकालना है। इस सेल में हम कर्सर रखेंगे, कैसे निकालेंगे, इक्वल बराबर सॉर्ट बाय फंक्शन, कौन सा फंक्शन, सॉर्ट बाय फंक्शन, देख सकते हैं शुरू करेंगे। एरे, एरे हम क्या लेंगे यहां पर,
इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे A2 से B5, कॉमा लगाएंगे array1, तो हम क्या करेंगे रेंड एरे फंक्शन का यूज करेंगे, देख सकते हैं करेंगे रोज, रोज हम क्या लेंगे यानी रोज फंक्शन, कौन सा फंक्शन रोज फंक्शन, देख सकते हैं करेंगे एरे, फिर से इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे A2 से B5, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे रोज का, रेंट एरे का ब्रैकेट क्लोज, सॉर्ट वाई फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, यानी कि जितनी बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है उतनी ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो दे सकते हैं आंसर हमारा निकला है ब्रजेश यादव, दे सकते हैं कुलदीप यादव, राइट आंसर निकला है। अगला एग्जांपल देख सकते हैं, अगला एग्जांपल सीट 10 पर पहुंचेंगे लास्ट, एम्प्लॉय आईडी नेम टाइप कर रखा है, हमें क्या निकालना है, यू वांट टू रैंडमली सिलेक्ट 3 एम्प्लॉय फ्रॉम द सॉरी फ्रॉम दिस लिस्ट, यानी कि हमें 3 का हमें लिस्ट निकालना है, कैसे निकालेंगे, यहां पर हम कौन सा फंक्शन का यूज करेंगे, बीलुकअप फंक्शन, इक्वल बराबर बीलुकअप फंक्शन, देख सकते हैं शुरू करेंगे लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू में क्या देना है यहां पर रेंडर फंक्शन, देख सकते हैं शुरू करेंगे रोज, रोज हम क्या लेंगे, हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी टाइप कर सकते हैं, यहां पर 3 कॉमा लगाएंगे कॉलम्स 1 कॉमा लगाएंगे मिनिमम संख्या 1 कॉमा लगाएंगे मैक्सिमम संख्या 5 कॉमा लगाएंगे इंटीजर ट्रू इंटीजर सेलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक किया हमने इस पर, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे टेबल एरे यानी इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे पूरे को A2 से B6, कॉमा लगाएंगे कॉलम इंडेक्स नंबर एम्प्लॉय आईडी नेम 2 टाइप करेंगे, कॉमा लगाएंगे रेंज लुकअप फास्ट सिस्टम है इसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कीबोर्ड में एंटर प्रेस करेंगे, तो देख सकते हैं हमारा आंसर निकला है, देख सकते हैं सभी हमने 3 यहां पर सिलेक्ट किया 3 एम्प्लॉईज, तो देख सकते हैं 3 एम्प्लॉई यहां पर शो हो रहे हैं, अगर कोई फॉर्मूला समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो या अच्छा नहीं लगा हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी एडवांस वीडियो देखने को मिलती रहे, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, थैंक यू।